शिक्षक साथियों नमस्कार, मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो नियोजित शिक्षकों के समस्याओं को लेकर है। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री का अधिकारियों को अल्टीमेटम। यह जो अल्टीमेटम है यह शिक्षकों के समस्याओं को लेकर है और अल्टीमेटम यह है कि 45 दिन के भीतर सभी शिक्षकों के समस्याओं को दूर किया जाए। तो सबसे अधिक समस्या से ग्रसित नियोजित शिक्षक ही हैं, तो यह न्यूज उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इस न्यूज का विश्लेषण करते हैं। शिक्षा मंत्री का अधिकारियों को अल्टीमेटम, एक अल्टीमेटम जारी किया गया है शिक्षा मंत्री द्वारा। यहाँ हेडिंग एक और है, समस्याओं के निपटारे को हर माह के तीसरे शनिवार को जिले में लगेंगे कैंप। आइए थोड़ा सा इसको और विस्तार से देखते हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जिलों से लेकर प्रमंडलीय स्तर तक के अधिकारियों को दो टूक अल्टीमेटम दिया है कि 45 दिनों के बाद उनके कार्यालय में शिक्षकों से जुड़े एक भी मामले लंबित रहे तो कार्रवाई होगी। ये बहुत ही बढ़िया अल्टीमेटम है नियोजित शिक्षकों के पक्ष में। 45 दिनों बाद वे स्वयं अपर मुख्य सचिव और मुख्यालय के अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण में पहुंचेंगे, तब लंबित समस्याओं का निराकरण भी ऑन स्पॉट होगा और मामले के लंबित रहने के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई भी ऑन स्पॉट होगी। यह अल्टीमेटम शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने अधिकारियों को राज्य स्तरीय बैठक में दिया। समस्याओं का निपटारा जो है हर शनिवार सेवांत लाभ से जुड़ी समस्याएं सुनेंगे स्थापना DPO। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट हेडिंग है, इसे आप देखिए। सितंबर माह से शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रत्येक जिले में जाएंगे, आम लोगों अभिभावकों कर्मियों के साथ बैठक करेंगे। उसमें यह मूल्यांकन होगा कि जिले के अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के निर्देश का अनुपालन किस हद तक किया है। तो ये शिक्षकों के समस्याओं के निपटारे को लेकर है, लेकिन शिक्षकों को इसे अलर्ट भी रहना है क्योंकि अधिकारी किसी भी समय किसी भी विद्यालय में पहुंच सकते हैं। हालांकि कुल मिला के ये न्यूज बहुत ही अच्छा है, तो इस न्यूज में यही सूचना देना था। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षक शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित वीडियो अपडेट समय समय पर दिए जाते रहते हैं। धन्यवाद।